नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि चंद्रमा और मंगल पर आप रह सकते हैं और आपको रहने योग्य वातावरण वहां मिल जाएगा तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा? जी हां दोस्तों, क्या आप वहां रहना पसंद करेंगे? अगर आप रहना पसंद करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, नासा ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। नासा ने कहा है कि वहां हम फल और सब्जियां तैयार कर सकते हैं और वहां पे सब्जियां भी तैयार करके दिखाया गया है। वहां पे पालक, टमाटर और मूली नासा ने तैयार किया है। पूरी सच्चाई क्या है हम आपको बताएंगे इस ब्लॉग अंदर। और दोस्तों आपका क्या विचार है? आप चंद्रमा और मंगल के बारे में क्या सोचते हैं? अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी अभी जानकारी मिल रही है कि नासा के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से मंगल ग्रह और चंद्रमा जैसा वातावरण और मिट्टी तैयार कर उसमें फसल उगाने में सफलता पाई है। उनका मानना है कि यदि भविष्य में लाल ग्रह यानी मंगल और चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाई जाती है तो उनके लिए वहां खाद्य पदार्थ उगाए जा सकेंगे। नीदरलैंड के वगेनिगेन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि मंगल और चंद्रमा पर उगाई गई फसल से बीज भी प्राप्त किए जाने की संभावना है ताकि नई फसल की जा सके। उन्होंने हलीम, टमाटर, मूली, राई, क्विनोवा, पालक और टमाटर समेत 10 अलग अलग फसल उगाई। वैगेनिगेन यूनिवर्सिटी के वीगर वेलिंक ने कहा, जब हमने कृत्रिम रूप से तैयार की गई मंगल ग्रह की मिट्टी में उगे पहले टमाटरों को लाल होते देखा तो हम उत्साह से भर गए थे। इसका मतलब था कि हमने सतत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह और चंद्रमा की धरती के ऊपरी आवरण से ली मिट्टी में सामान्य मिट्टी मिलाकर कृत्रिम रूप से ऐसा वातावरण विकसित किया था। तो दोस्तों ऐसी अपडेट जानकारी मिल रही है और नए नए शोध हो रहे हैं और जल्द और कामयाबी मिल जाएगी। नासा में और जानकारी देगा और फाइनल ये निचोड़ हमारे सामने रख देगा कि हम वहाँ पे रह सकते हैं और जीवन वहाँ पे संभव है। तो दोस्तों ऐसे अपडेट जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। जल्द फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।